हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन के अंतिम दिन धर्मशाला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जग्गी ने नामांकन भरा। वहीं देवेंद्र सिंह जग्गी के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांगड़ा संसदीय सीट से प्रत्याशी आनंद शर्मा भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा पर जमकर हमला बोला। आज हमने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जो पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे ला रहे हैं। ईमानदार है, शाफत कूट कूट कर भरी है। मेरे से ज्यादा आप पत्रकार बंधु को जानते होंगे, हमारे देवेंद्र जग्गी जी को, और इनके नामांकन में आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी जो यहाँ के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, श्री मुकुल वासनिक जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे पर्यवेक्षक और हमारे साथ आए हैं। तो इस प्रत्याशी के जीत के लिए हम सब आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं कि ईमानदारी, शराफत, सादगी और पार्टी के प्रति विचारधारा रूप से आज हमने जग्गी जी को आपके सामने लाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जो है भाजपा जीत का चौका और छक्का लगाएगी। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले अनुराग ठाकुर जी भविष्यवक्ता हो गए हैं। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी कितनी सफल होती है वो तो जनता हिमाचल की तय करेगी ना। हिमाचल की जनता जब तय करेगी तभी पता लगेगा ना। सीएम साहब, ये दल बदलों को हिमाचल की जनता कितना पसंद करती है? नहीं, आप गलत शब्द बोल रहे हैं। दल बदलना वो होता है कि चुनावों से पहले पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए, ये तो बिकाऊ है। और ये जो चुनाव है ये बिकाऊ का सरगना है जिसके खिलाफ हमने एक शराफत वाले प्रत्याशी को उठाया। अब बिकाऊ का सरगना जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, धर्मशाला की जनता ने उन्हें बैजनाथ से स्वीकार किया। राजनीति में सेवा भाव से आना चाहिए, पर वो राजनीतिक मंडी में बिका है और अपने साथ 5 और विधायकों को भी बेचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में सौदा किया है। जब कोई पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, हिमाचल की देव संस्कृति, हिमाचल के लोग जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, इस चीज को पसंद नहीं करती है। और जो बिकाऊ का सरगना है, उसने धर्मशाला में आकर क्या क्या किया है, ये आपको आने वाले समय में चुनावों से पहले एक एक उनका इतिहास क्या, जो उन्होंने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया, वो सब चीजें इनके सामने रखी जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां से भी इस बिकाऊ सरगना ने, इनके अटैचिंग बहुत भारी है आप जानते हैं, और घर भी बहुत बड़ा बनाया है, मुझे लगता है कि कहीं वहां पैसे रखने के लिए काफी जगह है। पर ये लोगों की सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये धन के लिए आए हैं। ऐसे व्यक्ति को धर्मशाला की बुद्धिजीवी जनता सबक सिखाए।